हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो देख लीजिए, मैं सुबह का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नाश्ता बनाने के लिए मैंने क्या क्या तैयारी कर ली। बंद गोभी घिस ली हूँ, जो साइड में दिख रहा बंद गोभी है, मटर है और थोड़ा सा पनीर भी है, उसे भी कद्दूकस कर रही हूँ, मतलब घिस रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें मैं दिखाऊँगी कि इसके अंदर क्या क्या डालूँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सुबह के नाश्ते में पराठा, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है और हेल्दी भी है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ बना दूँ और टेस्टी भी बहुत है। तो मैं इसके अंदर कच्चा आलू भी करके कद्दूकस करके डालूँगी। तो मैं पहले आलू को अच्छे से छील रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। तो इसमें एक ही आलू को मैं मतलब यूज़ करूँगी, क्योंकि बाकी चीज़ें से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर अभी डलेगी पड़ेगी। तो आप सब बताइए, आप सब कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ कहीं से देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अगर मेरे चैनल पे अभी आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इसी तरह से अगर प्यार सपोर्ट देते रहेंगे तो समझ सकते हैं आप लोग कि मैं वीडियो कितनी अच्छी अच्छी लाती रहूँगी, आप सबको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते भाई? आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे, कमेंट अच्छा से करेंगे तो अच्छा लगता है, हौसला और उम्मीद दोनों बढ़ती है कि इंसान मेहनत कर रहा है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। आप खुद समझ सकते हैं कि पूरे दिन बच्चों को संभालना, फिर ऑफिस ये जाते हैं, इनके लिए खाना पानी सब कुछ करना, घर संभालना, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा। हमारे घर पर कोई काम वाली नहीं लगी है, मैं खुद से करती हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ। तो आप सब समझ सकते हैं, जब आपके घर में भी होंगी माँ बहन, बाकी लोग हैं, आप भी औरत हैं एक, तो आप भी समझ सकते हैं कि घर में कितना सारा काम होता है। एक औरत के लिए बहुत काम हो जाता है, कहने के लिए तो लोग कहते हैं घर में काम ही क्या होता, लेकिन अगर एक हाउसवाइफ से पूछा जाए तो वो बता सकती है कि घर में कितना काम हो, पूरे दिन चलती है, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता, कोई ड्यूटी नहीं होती है कि कितने बजे से कितने बजे तक है उसका, ना तो संडे ना ही मंडे ना कोई त्यौहार, उसका हर दिन की ड्यूटी है, किसी दिन की छुट्टी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितना सारा काम हो जाता है। तो मैंने आलू को कद्दूकस कर ली, थोड़ा सा अदरक भी इसके अंदर कस ली हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से मिलाऊँगी, वो करूँगी। मैं सोचती हूँ जैसे कि मैं अपने घर पे सबके लिए सब कुछ करती हूँ, दिखा बनाती हूँ, खिलाती हूँ सब, तो आप सब भी इसी तरह से सीखिए, बनाइए अपने घर पर। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देख सकते हैं मैंने इसके अंदर प्याज डालूँगी, प्याज, हरी मिर्च और धनिया, ये चीज़ें भी मैं मिलाऊंगी। उसके बाद देख सकते हैं, सॉरी थोड़ी देर के लिए कैमरा हट गया तो मैं नहीं दिखा पाई कि मैं इसके अंदर कैसे भरी हूँ, लेकिन सारी चीज़ें फिर मिला के उसके बाद इसके अंदर हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, यही सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिला दी हूँ। बाकी जो चीज़ें कटी पिटी थी सारी दिखाई भी हूँ, कद्दूकस करी हूँ जो, और मैं भरते टाइम भी आप सबको दिखाऊँगी कि इसका मतलब कैसे मैं तैयार करी हूँ, कैसे भर रही हूँ। तो मैं इसे डबल रोटी बना के फिर इसके बीच में ये भरूंगी, सिंगल में नहीं भरा जाएगा, क्योंकि मटर है, बाकी चीज़ें हैं, उससे ये फट जाएगा। तो सिंगल में जैसे नहीं बन पाएगा तो आप डबल में ही बनाइएगा, तो ये फूलेगा भी और बिल्कुल ही अच्छे से पक भी जाएगा और कहीं से खुलेगा नहीं, और बहुत बढ़िया भी बनेगा, देखना। अभी मैं बना के दिखाती हूँ आप सबके सामने ही भरूँगी, क्योंकि उतने देर के लिए कैमरा बंद हो गया था, ध्यान नहीं गया मेरा उधर, काम में इतना व्यस्त हो जाती हूँ, भूल जाती हूँ कभी कभार कि कैमरा चालू है या बंद है, तो इसके लिए सॉरी। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं घी में बना रही हूँ, क्योंकि घी का मतलब है, अभी इतना बढ़िया इतनी सारी चीज़ें डल रही है तो घी या बटर में बनाना चाहिए, तो खाने में भी तो मज़ा आना चाहिए। तो देख सकते हैं आप लोग कि पराठा मेरा एक साइड से अच्छे से पक चुका था, मैं दूसरे साइड से भी अच्छे से इसे पकाऊँगी, चलाऊँगी, ऊपर से भीफ के थोड़ा सा घी लगा दूँगी, क्योंकि दोनों तरफ से अच्छे से चला के उलट पलट के हमें सेकना है, बढ़िया से हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो आप सब इसी तरह से अगर मेरा साथ देते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, तो मैं समझ सकते हैं आप लोग की वीडियो हर दिन हर पल आप सबको देखने को मिलेगा। तो मैं आप सबके लिए इतना परेशान होती हूँ, वीडियो किसी भी टाइम में नहीं सोचती कौन कितना टाइम हो रहा है, इस टाइम डालना ज़रूरी है नहीं है, एक जिम्मेदारी की तरह मैं ये जैसे सारे घर के काम करती हूँ एक जिम्मेदारी तरह समझती हूँ, वैसे इसे भी जिम्मेदारी समझती हूँ, अपना लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करती वीडियो डालने में, हर दिन वीडियो मेरा डलता है, चाहे कैफी भी हो, मतलब कितनी भी रात हो जाए, दिन हो जाए, दोपहर हो जाए, मैं कितना भी काम में क्यों ना व्यस्त रहूँ, क्यों ना थकी रहूँ, जब टाइम मिलता है टाइम निकाल के वीडियो ज़रूर डालती हूँ, आप सब तक पहुँचाती हूँ। तो आप सब भी तो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग इतना ज़रूर करिए कृपया,
हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और इसी तरह से अगर आप लोग साथ देंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब मैं मेहनत करने में इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो मैं आगे कितना मेहनत करूँगी, कितना सब कुछ होगा। तो देख लीजिए, मैं इसे अच्छे से अब ग्लास वगैरह भर के दिखा रही हूँ आप सबको। तो ये सिंगल रोटी है जो मैं रख रही हूँ इसके ऊपर से एक रोटी दबा के अच्छे से चारों तरफ से साइड में दबा दूँगी और फिर भरनी। चाहती तो मैं मटर को ऐसे कूट के भी डाल सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे ऐसे ही बनाना था क्योंकि बच्चों को पसंद है सारी चीज़ें, पनीर, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, हरी मिर्च, उसके बाद में ये मटर, इसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें। देख लीजिए, मैंने बराबर साइज़ की रोटी बनाई है, बिल्कुल ना बड़ा ना छोटा। अब मैं इसके ऊपर बेलन नहीं चलाऊंगी, अगर मैं बेलन चलाऊंगी तो ये मटर है जो उसकी वजह से ये हमारा पराठा फट जाएगा। तो मैं हाथ से ही बराबर कर दी हूँ। तो अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो समझ सकते हैं आप लोग कि मैं कितना कुछ कर सकती हूँ, कितनी हिम्मत है मेरे अंदर, जो कि मैं पूरे दिन काम करके थक के उसके बाद में भी वीडियो के लिए समय निकालती हूँ, वीडियो डालती हूँ, जिसमें कि मुझे टाइम सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। काम में इतना व्यस्त हो जाती हूँ, कभी इनकी नाइट होती है, कभी मॉर्निंग होती है, कभी 2 से 10 की होती है, बिल्कुल ही नहीं समय मिलता। बच्चों का है, जैसे बच्चे भी इसी तरह से आते हैं, जाते हैं सुबह 6:30 बजे, आते हैं 3 बजे, 3:30 बजे, लेकिन फिर भी मैं पूरे घर का काम निपटा के वीडियो के लिए समय निकाल लेती हूँ। तो देख सकते हैं पराठा बनके तैयार हो चुका है। अब मैं खाने के लिए दूंगी तो इसके साथ मैं दही दूंगी। जैसे मैं आप सबको बताती रहती हूँ घर पे दही बनाती हूँ, तो दही भी घर पे बढ़िया बनता है, बिल्कुल ना खट्टा ना कुछ, और बढ़िया दही बनता है, बिल्कुल एकदम जमा हुआ अच्छा सही घर पर बना हुआ दही आप ऐसे ही बनेगा। बाहर से लेकर आते हैं बिल्कुल पिलपिला सा रहता है, नहीं अच्छा लगता, मुझे पसंद भी नहीं है। तो मैं दूध घर पर ही लेती हूँ, दूध वाले भैया आते हैं, बढ़िया दूध देते हैं, इसी तरह फिर बनाइए, खाइए और प्यार।